हाँ जी सरदार जी, हाँ जी सर, एक मिनट हाँ जी सरदार जी, किद्दा फिर? हेलो भैया, हाँ सुखे, ये है दुनिया का सबसे बड़ा वाल। सो आज इसकी गाड़ी में लग रहे हैं प्रोजेक्टर। मो मैं तो बोल रहा हूँ इसको कटवा ले मुआ, पीछे से काट के इसके अंदर। सो ये है डब्बा कुछ प्रोजेक्टर्स का। इसमें हाई इंडेक्स, नो स्ट्रोबिक्स, नो रेडिएशन, लो कंजप्शन। रुके एक मिनट, एंड दूसरा प्रोजेक्टर, रुके एक मिनट, प्रोजेक्टर कुछ ऐसा है। ये प्रोजेक्टर है एंड ये साइड में 3mm के टेप भी है। ये हमारे पास ये भी है पीछे, ये स्प्रिंग साइज को एडजस्ट करने के लिए थोड़े बड़े हैं। एंड से लाइट, एंड लाइट अभी तक हमने चला के देखी नहीं है। यस भाई लाइट चला के तो देख, अबे पहले चला के तो देख। और ये है इसके दुकान का कुछ सामान है हमने रखा का। मैं सिंगल RCF मॉडल, वो बढ़िया अंदाजा डिजाइन कर रहा हूँ। एक कुछ और ही लेके आया पक्का, सिंगल बेस आ गई, अबे आ गई RCF मॉडल है। सही है, इसके बेस इसके बेस के नहीं निकलनी है साले। एम्प वम्प भी मार के ले आता है, इधर चला के देखते हैं हम। अबे बेस पे गाड़ी मिल गई मस्त्रे। ओहो साइज साइकिल ले जा, मस्त है, चला ले। मुआ लॉक तोड़ देना, 2 मिनट लगते हैं लॉक तोड़ने में। मैं छुट्टी कर दे हमें, जल्दी आने लगते हो ये भाई। आ क्या मैं करते हूँ किंदर करता है क्या? वेल्डिंग का काटूंगा, वेल्डिंग वाला काट देगा, काटने को ये भी कट जाएगा। अब गैप का वो करना बिचारा था, जो गैप था ना बीच को वेल्डिंग वाले से कटवाना है। वेल्डिंग वाला काट देगा, जय इसका भी काटा है वेल्डिंग वाले ने। नहीं वे ठीक है, बाहर नहीं आ गए matte black है ये, and this thing is looking epic. Maybe हाँ फोन ऑफ है इसमें। इसका लगता भी है फायदा कुछ डायनामिक है इसलैंड का इसके। iPhone 14 Pro Max सही है, सही है। हाँ सो अभी ये जुगाड़ किया है हमने, ये कटवाया है ताकि ये प्रोजेक्टर ऐसे फिट आ जाए एंड ज़्यादा ओड ना लगे जैसे वो लग रहा है। उसमें देखोगे तो गैप बच रहा है साइड साइड में, अब इसको लगाएंगे तो इसमें दिखेगा बट इतना नहीं दिखेगा। एंड इसका कर लेंगे जुगाड़, या फिर रिंग लगा लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। एंड ये अपने मैनेजर साहब ये अपने मैनेजर साहब है। सो ये वाला प्लान हो गया फेल एंड अब इसे लगाएंगे कि जिसे गैप दिख रहा है बट वी हैव नो ऑप्शन। इसमें एक ये इशू आ रहा है कि पीछे जो चेसिस होती है ना गाड़ी के, यहाँ ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला ये लग रही है, इसकी वजह से प्रोजेक्टर फिट नहीं आएगा। बम्पर खोलना पड़ेगा, पर बम्पर खोल के भी लगाएंगे तो भी फिट नहीं आएगा, इसलिए अभी ऐसे लगाते कोई प्लास्टिक का पीस या फिर कोई भी चीज़ मिलेगी उससे कवर करेंगे। एंड
यही है अब कुछ सीन एंड फॉर प्राइस एंड अदर थिंग्स कि कितने का है। लाइट तो मैं दिखा दूंगा बाद में, बट कितने का है वो लगेगा आपको पता बाद में नहीं, उसके लिए आप आओ यहाँ एंड रेट का लेना पता खुद, मैं नहीं बताऊंगा। एक हो गया है स्टार्ट, दूसरा करना है। चल ओके, वी हैव सम गेस्ट हियर। गेस हु इज हियर, कहाँ गए वो खड़े हैं? हेलो हाय। एंड ये भी है पंडित साहब, हेलो कर दे। अरे ये क्या कर रहे, गिरा मत दे। ओके अब साउंड टेस्ट। अभी बार लाइट भी चल पड़ी है, ये भी चल पड़ी है, ये भी मतलब सब कुछ लाइट चल पड़ी है। बेसिकली ये लाइट भी चल पड़ी है, ठीक है, बट इसका एक इशू आ रहा है कि दरवाज़ा प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है। अब उसके लिए देखते हैं क्या करना है। ये देखो ये दरवाज़ा ना, ठीक है, ये खोला और ये कितना गैप आ रहा है, ये कभी नहीं आता है, और आराम से करोगे तो ये तो लग भी नहीं रहा है। ये देखो सो अभी दिक्कत दिखी है कि ये जो वायर है ना ये अड़ रही, क्योंकि यहाँ देखोगे तो ये चीज़ यहाँ टच होती है और ये चीज़ बीच में अड़ रही है। तब इन वायरों के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही है एक लास्ट ऑप्शन, और ये तारे भी यहाँ जाके निकलेगी। अभी ये चीज़ खोलनी पड़ेगी, साइड वाली चीज़। एंड लाइट का दिखाऊँ तो ओके 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 एंड
ऊपर वाली लाइट। एंड बार लाइट आल्सो, दिस इज बार लाइट एंड दिस इज। अब ये को सेटअप है, लाइट देख लो, बहुत काफी लाइट है। यहां से बैठ के मैं अपने फेस पे दिखाऊंगा। और एक कमेंट है यार, ये देखो ये बार लाइट है, बार लाइट फोकस में नहीं होने दे रही है। एंड बाकी एडजस्ट अभी होनी है। एंड 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 करो बंद, बार लाइट को भी करो बंद, ये बंद। इंडिकेटर इसके चलते रहते हैं, दिक्कत सबसे बड़ी। एंड अपनी वैनम वो खड़ी है, इसमें भी मैंने अभी तक दिखाया नहीं कि मैंने ये चीज़ करा ली है, सेंटर लॉकिंग। सो ये हुआ है। एंड मैंने कपड़ा रखा है एंड पिछली लाइट है, ये सीन है। बाकी ज़्यादा मेनली अभी कोई काम नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ, गाड़ी ऑन की जाए। सबसे पहले ये की जाए ऑन, तो हाँ मैंने एक वीडियो बनानी है, उसमें मैंने प्रॉपरली दिखाना है कि ये जो लाइट बाहर लाइट जैसी लाइट है इसका क्या सब प्रॉपर फंक्शन है। एंड फ्रंट से दिखाऊँ तो एक जा ये है बार लाइट के थ्रू कुछ ऐसी। एंड ये है अपनी इसकी लाइट, एंड वन मोर थिंग कि इस गाड़ी के किलोमीटर्स हो गए हैं फाइनली 1,15,000, ये देखो। एंड वन मोर थिंग, इसमें मैंने LED लगाई है, इसलिए जब भी वो करेगा तो ब्लैक फ्लैश करता है, देखो। बल्कि दोनों साइड से यहाँ से दिख रहा होगा, बस यही है, करते हैं। वो दिख रही गाड़ी, ओके। सो यहाँ से होती है नीचे वाला लाइट बंद, यहाँ से होती है लाइट बंद, यहाँ से होती है ये लाइट बंद, यहाँ से होती है ये भी लाइट बंद, और यहाँ से होती है गाड़ी, यहाँ से होती है गाड़ी बंद। ये लाइट ऑन रहती है जब भी मैं दरवाजा खोलता हूँ तब, वो लाइट बंद। एंड अभी सबसे मैसेज, आई सीरियसली वॉन्ट टू शो यू दिस, जस्ट लिटरली लुक एट दिस डूड, लाइट कहाँ जा रही है। सुखी थोड़ी सी इस इनको कर और इसकी थोड़ी आउट कर, दिस लाइट इज एपिक डूड। बस ओके, अंदर बैठ के देख यार तू, आ देख तू। डिपर देख तू कहां तक जा रहा भाई, येलो की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बोलो येलो बंद कर देते ना, फिर भी ये जगाते हैं। भाई लाइन देखो कितनी सेक्सी आ रही है, सही है ना। हाँ बाकी प्रॉपर फिटिंग आई नहीं थी ना। सो दिस इज द सेटअप ऑफ द लाइट्स, बाइक बहुत लाइट है,
गाड़ी पे दिखाऊं, गाड़ी पे ऐसे पड़ रही है कुछ, एंड मैंने हाई बीम ऑन की है। ओके मैं इसको बंद करता हूँ, ये पार्किंग पे है, एंड हाई बीम में प्रोजेक्टर की देखोगे तो ध्यान से दिखाता हूँ मैं, इतना रख रहा हूँ, ये देखो लाइन इज सो क्लियर, एंड भैया की गाड़ी की लाइट देखो वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है ना सुखी। हाँ अरे नहीं बट कुछ भी बोलो, लाइट तो लाइट है। इस टाइम तो कहीं लगेगा, इस टाइम तो परफेक्ट है, इसमें येलो लाइट भी है। भाई लाइट की जो ऐसे देख कैसे ऐसे आती है, बिल्कुल लेजर टाइप है, वैसी है ये देख। ओके सो यहाँ वाली लाइट हमें हटाने पड़ी ड्यू टू सम रीजंस, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। रीज़न क्या, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था प्रॉपरली, इसलिए लाइट हटा दी है। एंड ये रहे अपनी बाइक, ये रहे अपनी गाड़ी, और ये अपनी दूसरी गाड़ी। सो मैंने इसकी थ्रो दिखा दी, एक बार सेट करेंगे हम बाहर निकाल के मेन रोड पे हाईवे पे लेकर जाके ये सेट करेंगे, एंड देन आपको वो दिखा दूंगा मैं रास्ते का व्यू। एंड सो इसी नोट पे, अब मेरे को नहीं पता कितनी लंबी बढ़नी है, कितनी नहीं, जितनी बनी है ओके नो प्रॉब्लम। सो इसी नोट पे करते हैं वीडियो को एंड। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट डू वट एवर यू वॉन्ट। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, एंड ये काम बचा थोड़ा सा, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। एंड हाँ, काम कराना हो, रेट पूछना हो, ये दुकान है एंड ये नंबर है, ये पहला वाला नंबर, इस पर कॉल करके रेट पूछ सकते हो। मैं एक बार डब्बा दिखा देता हूँ, डब्बा है ये GPNE ऑटोमोटिव हेडलाइट प्रोजेक्टर लेंस, इसका रेट आप कॉल करके पूछ सकते हो। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।